नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी, मैं बउआ। आप देख रहे हैं इंडिया साउथ अफ्रीका स्पेशल रणतंत्र। पिछले एक साल में हमारा मिडिल ऑर्डर ऐसा हो गया था जैसे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर, मतलब गायब। कोहली भी शतक नहीं लगा पा रहे थे। पुजारा और रहाणे तो शतक क्या डबल डिजिट में ही पहुंच जाते थे तो इंडियन क्रिकेट फैंस पार्टी कर लेते थे। मतलब हालत ऐसी हो गई थी कि पुजारा और रहाणे से ज्यादा हमें मोहम्मद शमी और बुमराह की बल्लेबाजी पर भरोसा हो गया था। ऑपोजिशन ने भी इनको फ्री का विकेट समझ लिया था और हम भी समझ लेते थे कि हम 9 लोगों की टीम खिला रहे हैं। जो नहीं समझ पाते थे वो ये था कि आखिर पुजारा और रहाणे ने टीम मैनेजमेंट को ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी है कि इनको टीम से बाहर ही नहीं किया जा रहा है। टीम के कप्तान विराट कोहली पूरी तरीके से इनके सपोर्ट में थे। कोच राहुल द्रविड़ का भी कहना था कि ये दोनों खिलाड़ी नहीं, नगीने हैं। नए वाले उप कप्तान और प्रेजेंट कप्तान केएल राहुल भी इनके मुरीद थे और हमको लग रहा था कि ऐसा क्या है इनकी जोड़ी में जो सभी बड़े खिलाड़ियों को दिख रहा है। लेकिन फिर हम यही सोचकर चुप हो जाते थे कि हम तो तुच्छ मानव हैं, हमें राहुल द्रविड़ और विराट कोहली जितना थोड़ी ना पता है। अल्टीमेटली कल ये बात साबित भी हो गई। 58 रन की लीड के साथ जब टीम इंडिया ने खेलना शुरू किया तो शरीर में कपकपी थी। इसलिए नहीं क्योंकि दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि क्रीज पर था पुजारा और रहाणे का जोड़ा जिसको पिछले एक साल में हर गेंदबाजी लाइनअप ने था तोड़ा। ऐसे में अगर पहले ही कुछ ओवरों में इनके विकेट गिर जाते तो टीम इंडिया शायद 150 रन का टारगेट भी न दे पाती। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। पुजारा और रहाणे ने इससे भी ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में इससे भी खतरनाक बॉलिंग अटैक के खिलाफ हल्ला बोला है। लेकिन कल का हल्ला बोल शादी के खाने के बाद गाजर का हलवा खाने जैसा था। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 111 की साझेदारी करी और न सिर्फ इंडिया को इस टेस्ट मैच में उम्मीद दिलाई बल्कि अपने डूबते करियर को भी पार लगाया। पहला सेशन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम हो सकता था अगर साउथ अफ्रीका के पास रबाड़ा ना होते। रबाड़ा ने बैक टू बैक 3 विकेट लेकर लंच तक टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 188 पहुंचा दिया। लीड हो गई थी 161 रन की। लेकिन लंच के बाद हमें देखने को मिला शार्दुल ठाकुर शो। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने साउथ अफ्रीका वालों का भूत बना दिया भाई साहब। ये बात तो क्लियर हो गई है कि गांधी जी के बाद साउथ अफ्रीका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लॉर्ड शार्दुल ठाकुर दूसरे भारतीय बन गए हैं। एक बार फिर बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ठाकुर ने 24 गेंदों में 28 बनाए, शानदार। और हनुमा विहारी के नाबाद 40 की मदद से इंडिया 200 रन टाप गई। 266 पर ऑल आउट होने की वजह से साउथ अफ्रीका को 240 का टारगेट मिला और चाय से पहले खेले गए 7 ओवरों में इन्होंने इसमें से 34 रन बना भी डाले। चाय के बाद साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 206 चाहिए थे और इंडिया को पूरे 10 विकेट। लेकिन एल्गर और मार्करम कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। बुमराह, सिराज और शमी सबने ट्राई किया लेकिन जब इंसानों से बात नहीं बनी तो स्वयं लॉर्ड को बॉल लेकर आना पड़ा और 3 बार मार्करम को छकाने के बाद फाइनली उन्होंने मार्करम को पवेलियन भेजा। लेकिन मार्करम गए तो पीटरसन ने एल्गर के साथ मिलकर भेजा खाना शुरू किया और देखते ही देखते 46 जोड़ दिए, 93 रन जुड़ गए थे। 0.5 पर 93.5 बजाते रहो हो जाता। लेकिन तभी अश्विन ने पीटरसन की बजा दी भाई साहब। लेकिन साउथ अफ्रीका के कप्तान एल्गर मानने के मूड में नहीं लग रहे थे। पहली पारी में 120 गेंद खेलने वाले एल्गर ने दूसरी पारी में 121 गेंद खेल ली है लेकिन अभी तक आउट नहीं हुए, 40 रन नाबाद बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ उनकी जोड़ीदार रेसी वंडर दुसे 37 गेंदों में 11 बनाकर नॉट आउट है। साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 118 है। उन्हें जीतने के लिए बस 122 रन चाहिए। आपको क्या लगता है, चौथे दिन साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में बराबरी कर लेंगे या फिर इंडिया वाले जोहानिसबर्ग फक रहे का नारा लगाएंगे? कमेंट बॉक्स खुला है, जल्दी से बताना और ये लिखना कि वीडियो आप देख कहां से रहे हो। बाकी आपसे मिलते हैं रिजल्ट का वीडियो लेकर बहुत जल्दी इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फोक्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।